नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रवि ETC, यानी घर की वायरिंग हाउस वायरिंग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज का वीडियो है हमारा स्विच, कंडेंसर और बल्ब का ये कनेक्शन है, यानी कि लाइट कंट्रोलर, यानी कि लाइट को हम कंट्रोल कर सकते हैं एक कंडेंसर के माध्यम से। इसको तीन तरह से इसकी वोल्टेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पे हमारा वीडियो है। वैसे तो हम समझाने की कोशिश किए हैं पैनल का जो कनेक्शन होता है कूलर का, तो ये चीज़ समझाने की कोशिश किए हैं। तो हालांकि लाइट का भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कनेक्शन ज़्यादातर काम आता है कहीं पे वोल्टेज ज़्यादा रहता है और बल्ब हमेशा फ्यूज होता रहता है, तो उस जगह पर इसको हम यूज कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक पर हमारा वीडियो है। और सबसे पहले, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके और पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आ गए हम अपने वीडियो पर। और ये है हमारे पास कंडेंसर, तीन स्विच और एक बल्ब होल्डर। तो दोस्तों, इसी का कनेक्शन हम करेंगे और इससे हम बल्ब का जो वोल्टेज है इसे हम कम अधिक कर सकते हैं। तो चाहे बल्ब में यूज कीजिए और चाहे तो आप इस कंडेंसर से, हालांकि जो कूलर सिंगल स्पीड में वाइंड होता है तो ये उसके लिए है, सिंगल स्पीड में अगर वाइंडिंग है तो इसे आप थ्री स्पीड में चला सकते हैं इस कनेक्शन से। तो बल्ब की जगह पे कूलर फैन के मोटर का कनेक्शन होगा, दो वायर का। तो हम बल्ब के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बल्ब का भी कनेक्शन आप कर सकते हैं, जैसे कि कहीं कहीं वोल्टेज बहुत ज़्यादा रहता है तो वहाँ पे बल्ब हमेशा फ्यूज होता रहता है, तो वहाँ पे भी इसे यूज कर सकते हैं। और कूलर मोटर के लिए या चाहे कोई फैन के लिए आप इसे थ्री स्पीड में भी कनेक्शन कर सकते हैं। ये कंडेंसर वर्क करेगा थ्री स्पीड का। तो ये कंडेंसर थ्री स्पीड के लिए ही है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे हमें फेस दे देना है। तो स्विच का नीचे वाला पॉइंट है और तीनों पे हम एक फेस जोड़ दिए हैं, तो ये हमारा फेस हो गया। तो देख लीजिए, और इस तरह से टाइट भी कर लेना है। और कंडेंसर में हमारे चार वायर निकले हुए हैं, तो चार वायर में दो हमारा रेड कलर का है, तो एक हमारा उसमें से चला जाता है, हमारा आ जाएगा बल्ब को चला जाएगा रेड वाला एक, और एक हमारा स्विच पे हो जाएगा। तो देखिए, तीन वायर तो पहले हम स्विच पे लगा लेंगे, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे, यानी कि पीला, ब्लैक और रेड। इस तीनों वायर को हम एक एक करके एक एक स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे लगा देंगे। तो देखिए, इस तरह से लगा लेना है। और इसको टाइट भी अच्छे से करना है। तो चलिए, अब तीसरा वायर लगाते हैं, ये रेड वाला एक हमारा स्विच पे। तो ये हमारे तीन स्पीड हो गए, यानी तीन स्विच और तीन स्पीड, और एक हमारा रेड वायर जो बचा वो चला जाएगा बल्ब को। तो यहाँ पे आप फैन भी रख के तीन स्पीड में उसका कनेक्शन कर सकते हैं, तो बल्ब की जगह पे आपको फैन के दो वायर जोड़ने होंगे। तो चलिए, हम इसे जोड़ देते हैं, फैन का, बल्ब का एक वायर कंडेंसर के रेड वायर में। और तो देखिए, इसको हम जोड़ दिए। और इसके बाद में ये जो दो वायर हमारे हो गए, तो ये हमारे मेन पावर सप्लाई हो गए। तो हमें मेन पावर सप्लाई इसी में देनी है, एक रेड वाले में देनी है स्विच पे, और एक देना है ब्लैक वाले पे। तो ब्लैक वाला न्यूट्रल और स्विच वाला जो है हमारा वो फेज है, ठीक है। तो स्विच पे फेज देना है और ब्लैक वाला जो बल्ब का है उस पर न्यूट्रल दे देना है।
तो जब हम स्विच ऑन करेंगे तो ये 3 स्टेप में वर्क करेगा। तो देखिए सप्लाई हमें एक ब्लैक में और एक रेड में हमें जोड़ देनी है। तो चलिए हम इसको सप्लाई जोड़ते हैं और सप्लाई जोड़ करके हम आपको इसे चेक करके भी दिखा देते हैं। तो इस पे आप फैन का भी, कोई भी फैन हो, टेबल फैन हो या सीलिंग फैन में भी कर सकते हैं और कूलर में भी कर सकते हैं, कूलर का पैनल में अगर इस तरह का स्विच लगा है तो। और स्विच कोई भी लग सकता है, कूलर में कोई ज़रूरी नहीं है कि यही लगेगा। तो स्विच कोई भी हो तो इस कंडेंसर के माध्यम से स्पीड को कम अधिक कर सकते हैं। तो चलिए इस पे हम टेपिंग कर देते हैं और टेप करने के बाद में अब हम इसमें देते हैं सप्लाई, और सप्लाई दे करके हम आपको इसे चेक करके भी दिखा देते हैं। तो चलिए अब हम इसमें सप्लाई ऑन करते हैं। तो लगाते हैं सप्लाई को और इसे चेक करते हैं। तो चलिए ये हमारी आ गई सप्लाई, देखिए हमारा ये वर्क कर रहा है। देखिए इसे थोड़ा बढ़ा और ऐसे ही तीनों स्टेप हमारा वर्क करेगा, ये देख सकते हैं। एक स्टेप, दो स्टेप और ये 3 स्टेप। तो खैर इधर से अच्छा से समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको स्विच को पलटी करके दिखाते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो चलिए स्विच को हम इसे दोनों तरफ से दिखा देते हैं। तो वैसे तो वर्क कर रहा है, अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसे सीधा करके भी दिखाते हैं आपको। तो चलिए इसे सीधा कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें पावर निकालना होगा। तो चलिए हम सीधा कर लिए, अब इसे हम चेक करके दिखाते हैं। तो ये देखिए, तो ये सारे वर्क कर रहे हैं, कम अधिक सप्लाई भी हो रही है हमारी और इसी तरह से कनेक्शन होना है इसका। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ लेते हैं विदा और मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे और किसी नए टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए नमस्कार।